आप लल्लन टॉप में ही अड्डा में आए हुए थे और कबीर सिंह पर आपसे सवाल पूछा गया था जी, तब भी आपका स्टैंड बहुत क्लियर था। मैंने बहुत भुगता है उस स्टैंड को वैसे आगे मेरी पर हमारे लिए ये अच्छी बात है, हमें सुनकर अच्छा लगता है। अच्छा लगना ही चाहिए। देखिए ये हमारे कल्चर का सवाल है। हम जिस देश में हैं, इस देश की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तमाम मुश्किलें हैं, तमाम ख़राब बातें हैं, पर इसके बावजूद ये सच है कि इतना प्यारा देश, इतनी खूबसूरत सभ्यता, इतना बढ़िया कल्चर शायद दुनिया के किसी और कोने में नहीं है। तो तमाम बातें हम मान लेते हैं, हमें कमियां हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे हैं और बहुतों से अच्छे हैं। कबीर सिंह का सवाल मुझसे जब किया गया था पिछली बार मिसोजिनिस्टिक अप्रोच के बारे में फिल्म के, तो जाहिर सी बात है कि मेरी पिक्चर थी, मैं कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड था कि मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलूं और मैं उसको डिफेंड कर ले जाऊं, लेकिन मुझसे होता नहीं है क्योंकि मैं एक बात समझता हूं, मैं बहुत स्ट्रांग वेमेन के बीच में रहा हूं। मेरी माँ ने मेरी जो परवरिश की है वो 500 रुपए की सैलरी पे जिस तरह मुझे पाला है, तो मेरी नज़र से कभी वो मोमेंट हटता ही नहीं है कि राजा बना के रखा था 500 रुपए की सैलरी पे, 300 रुपए मेरी स्कूल फीस हुआ करती थी, 200 रुपए में पूरा घर चलता था। तो आज मैं पूरी नारी जाति का सम्मान अपनी माँ के हवाले से करता हूँ। तो जब भी कोई चीज़ और ये आप हमारा कल्चर देखें, हम कौन हैं, यहाँ औरत मर्द की कमीज के टूटे हुए बटन से लेके उसके टूटे हुए आत्मविश्वास तक सब कुछ जोड़ती है। हम एक ऐसे देश में हैं, यहाँ आप ऐसी फिल्में नहीं बना सकते, यहाँ आप ऐसा साहित्य नहीं लिख सकते जिसमें हम औरत को दोयम दर्जे पे देखें या हमें लगे कि शीज़ अ प्रॉपर्टी, शीज़ अ फर्नीचर। नहीं भाई, ऐसी फिल्मों का और ऐसे लिटरेचर का मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ, और मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ कि औरत जो है मर्द के बराबर होती है, हो ही नहीं सकती। औरत हमेशा मर्द से ऊँची थी और ऊँची रहेगी, बराबर नहीं हो सकती। और ये तालियाँ बता रही हैं कि ये सब मुझसे एग्री करते हैं इस बात। औरत की आपने बात की है, मैं चाहती हूँ आप वो एक कविता पढ़ दें जिसका शीर्षक ही औरत है। कौन हो तुम, इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगाने से बिखर जाती हो, और इस कदर मजबूत हो कि पर्वतों को चीर के नदियों की तरह गुजर जाती हो। तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम है कि तहजीब को भी तहजीब सिखा दे, और वही आवाज जब हक के लिए गूंज उठे तो बड़ी बड़ी जुल्म की चट्टाने तिनके की तरह उड़ा दे। ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, फिर भी रोज हाथों से गिरती हो दुआओं की तरह, धूप जैसे तपते हुए हौसले हैं तुम्हारे और खुद नजर आती हो छांव की तरह। हैरान हूं मैं कैसे कुदरत ने तुम्हें इतने सारे जादू दे दिए, एक ही इंसान को मरियम का दिल और लक्ष्मी बाई के बाजू दे दिए। यही कविताएं इसी की बात कर रही थी। और चूंकि अब बात औरतों की हो गई है तो, और ये सवाल अगर मैं नहीं पूछूंगी तो मैं सो नहीं पाऊंगी, थोड़ा सा टेंस रहूंगी। आप वैसे भी आप ऑड नारी हैं, आपको हक बनता है कुछ भी पूछने का। जी, आपकी लाइफ के आपने वाकई बहुत ओपनली शेयर किए और आपने उनका इम्पैक्ट आपकी जो पोएट्री पे आया वो भी आपने ओपनली शेयर किया। पहली बार जो पहला प्यार, दिल टूटना, जो आपकी प्रेमिका थी उन्होंने बोला कि अब मेरे खत लौटा दो, मेरी तस्वीरें लौटा दो, बहुत ही उस उम्र में वो बहुत ही ब्रेक कर सकता है इंसान को। फिर उसके बाद आपने एक शादी का भी किस्सा सुनाया था, वो आपने जिंदगी भी दृश्य देख लिया, मैंने उसके पहले कहीं नहीं सुनाया था वो किस्सा। सबने देखा है जी, ये ऋचा जी की रीच है, उनका नाम ऋचा नहीं होना चाहिए, उनका नाम रीचा होना चाहिए, बहुत दूर तक रीच है उनकी। आपकी भी रीच है। लोग आपको फॉलो करते हैं, तो मतलब ये टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि बार बार इस तरह के इस तरह के पेन से गुजरना जो कि इमोशनल पेन। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लिटरेचर में इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, साहित्य में इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, मुझे लगता है पूरा एक वर्जन मिसिंग जाता है। महबूबा का वर्जन मुझे मिसिंग दिखता है हमारे गीतों से, हमारे कविताएं तो खैर मैं क्या ही बताऊं, इतनी कविताएं लिखी गई हैं मैंने तो बहुत कम पढ़ी हैं, पर स्पेशली गीतों में, और गीत आपका एरिया है गीत लिखना, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं, कम लिखा गया ये मैं मान सकता हूं, लेकिन मैं आपको ऐसे गाने गिना सकता हूं और बहुत पॉपुलर सुपरहिट गाने, क्योंकि यहां मैं पैरेलल म्यूजिक की बात नहीं करूंगा। मैं आपको बताता हूं प्रतीक्षा कि कैसे औरत का पॉइंट ऑफ व्यू समझा गया है, कैसे नायिका का पर्सपेक्टिव भी समझा गया है। आप याद करें हकीकत फिल्म का वो गीत आपको याद है,
हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। देखें आप पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, कि यहाँ बेवफाई की बात नहीं है, कह रहे तुम तो बड़ी बेवफा निकली, ऐसा कैसे कर दिया, मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, ऐसा नहीं है। वहाँ जो हीरो है, जो नायक है, जो शायर है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पे खिजां और बिछाई होगी। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पे खिजां और बिछाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। छेड़ की बात पे जज्बात उबलाए होंगे, गम दिखावे की हंसी में ढलाए होंगे, नाम पर जब मेरे आंसू निकल आए होंगे, सर न कंधे से सहेली के उठाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। तो ये मैं मानता हूँ कि कम लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिखा गया, और आपकी बात बिल्कुल सही है, ज़्यादा लिखा जाना चाहिए। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो फीमेल राइटर्स हैं, जो वेमेन राइटर्स हैं, जिनको कि वाणी बहुत प्रमोट करता है, वो लोग सामने आए, वो लिखें, उनका पर्सपेक्टिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे सामने आना चाहिए। हम लड़के क्यों सब कुछ बोलते रहे, बड़ा बुरा किया हमारे साथ। अब बेवफाई में 10 में से 9 गाने, हाँ मतलब वही है ना, जाती तो है होती है, और मुझे बड़ी दिक्कत होती है इस बात से। और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत फीमेल लिरिसिस्ट इस वक्त हैं इंडस्ट्री में और जुड़ती जा रही हैं। हैं भी और जुड़ती जा रही हैं, और सिर्फ लिरिसिस्ट ही नहीं, फिल्म मेकर्स भी, और ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल इंडस्ट्री में मनी कंट्रोल करना, खैर वो एक अलग मसला है।